से पहले भी जो हैं कई ट्रांसफर पोस्टिंग हुए, तो मंत्री जी का हम बयान सुने, मंत्री जी ने बोला कि माफियाओं ने कब्जा कर रखा है राजस्व विभाग को। तो 17 साल से तो राजस्व विभाग भाजपा के ही पास है, यानी मंत्री जी का कहने का मतलब है कि या तो भाजपा ही ने माफियाओं से कब्जा करवा दिया है विभाग को। IVTV देखता है इंडिया। अब आप तो देख ही रहे, कोई पहला मामला तो है नहीं, इससे पहले भी जो हैं कई ट्रांसफर पोस्टिंग हुए और इसमें मंत्री जी का हम बयान सुने, मंत्री जी ने बोला कि माफियाओं ने कब्जा कर रखा है राजस्व विभाग को, यही उन्होंने कहा है ना। तो 17 साल से तो राजस्व विभाग भाजपा के ही पास है, यानी मंत्री जी का कहने का मतलब है कि या तो भाजपा ही ने माफियाओं से कब्जा करवा दिया है विभाग को, या ये सक्षम है ही नहीं कि माफियाओं से ये विभाग छुड़ा पाए। ये भ्रष्टाचार तो पूरे सूबे में बढ़ी है, और इससे पहले भी तो मदन साहनी जी ने इस्तीफा दिया ही था। उन्होंने भी क्या कहा था कि चारों ओर जो है पूरे बिहार में अफसरशाही छाई हुई, तो अफसरशाही तो है ही। और नूरा कुश्ती से तो बिहार का नुकसान हो ही ना रहा है। आपको आपत्ति है, हमने तो पहले भी कहा कि एक दूसरे को आपत्ति होते हुए भी एक दूसरे को गाली गलौज कर भी रहे हैं ये लोग, तो इससे भारी नुकसान तो बिहार का हो। कहाँ कोई काम हो रहा है बिहार में भाई, कोई रियल चीज़ों पे कोई, आप बता दो कौन सा ऐसा स्कीम आ गया नई सरकार बनने के बाद, ऐसा कौन सा योजना आया है जिसकी चर्चा हुई है, या कौन सा योजना सफल किया हो पूर्व का जो चल रहा हो, जिससे हमारे बिहार के प्रदेशवासी लाभ पहुंचा हो, एक योजना बता दे। कोई सोच नहीं है, आज बिहार को जरूरत है नई सोच की, नई विजन की, नई दिशा की, जो कि इस डबल नहीं ट्रबल इंजन सरकार में पॉसिबल नहीं है। क्या हो रहा है आप लोग देख रहे हैं। तो सत्ता का मक्खन जो है, भलाई जो है, सबको चाटना है, इसलिए ना चाहते हुए भी चाहते हुए भी नहीं छोड़ रहे हैं दूसरे। अब इससे क्या फायदा क्या नुकसान, आप लोग तो होशियार लोग हैं, आकलन करते ही रहते हैं।